स्मगल होने लगे, ये सब सिर्फ 3 साल में हुआ, मगर हमने अपने आवाम की जिंदगी और मईशत दोनों को बचाया। सिर्फ एक चीज जो रातों को जगा देती है वो महंगाई है। कोरोना की वजह से दुनिया भर की सप्लाई चेन मुतासिर होने से महंगाई बढ़ी। अमेरिका, यूरोप समेत तमाम ममालिक इससे मुतासिर हुए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की प्रोग्राम आपका वज़ीर-ए-आज़म आपके साथ में गुफ्तगू, कहा पैसे की वैल्यू कम होने से हर चीज मुतासिर होती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि उसूली तौर पर मुझे पार्लियामेंट में ये बातें करनी चाहिए, बदकिस्मती से ऐवान में एनआरओ का क्राउड बैठा है जो ऐवान में ये बातें करने नहीं देता, पार्लियामेंट में बात करने से पहले शोर मचा दिया जाता है। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, क्वेटा, पेशावर और दीगर शहरों में कोरोना केसेस के रिकॉर्ड टूटने लगे। कराची में कोरोना के 2,831 नए केसेस रिपोर्ट, शरा 42.32% तक जा पहुंची। मुल्क भर में 7,586 मरीजों में कोरोना की तशखीस, शरा 13% रही। एक दिन में 20 अफराद जान बहक। शहबाज शरीफ को भी यूरिया की किल्लत और किसानों की सूरत हाल पर तशवीश, बयान में कहा आज किसानों को डीएपी 10,000 में भी नहीं मिल रही। कीमतों पर कंट्रोल न होना नाकामी, नाहली और बद इंतजामी की इंतहा है, खाद की स्मगलिंग रोकी जाए। हुकूमत किसानों को खाद फराहम करने में नाकाम हो गई, फसलों की मुनासिब कीमत न मिलना किसानों का मुआशी इस्तेहसाल है, आसिफ अली जरदारी का बयान। राजा परवेज अशरफ ने कल मुख्तलिफ अजला में ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च का ऐलान कर दिया। आसिफ सरदारी सिंध का गॉड फादर बन गया, उन्होंने सिंध पुलिस को प्राइवेट आर्मी बना दिया। वफाकी वजीर अली जैदी की सखर में पीपल्स पार्टी की आदत पर कड़ी तनकी, कहा 12,000 अरब उन्हें एनएफसी अवार्ड की मद में मिले, उनसे पूछा जाए ये रकम कहां खर्च की। महाजर नौजवान को अदालत के दरवाजे पर कत्ल किया गया, पूरे सिंध के महाजरों में तशवीश की लहर दौड़ गई। उल्टा हम पर लसानियत का इल्जाम लगाया जा रहा है, टंडुवाला यार्ड में एमकेएम के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारी माओ बहनों पर क्यों तशद्दुद किया गया। सिंध में सिंधी महाजर, पंजाबी महाजर, पठान महाजर फसाद शुरू कराने की साजिश की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म सिंध सईद गनी की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा टंडुवाला यार वाकई पर तकसीम और लसानियत की सियासत कबूल नहीं करेंगे, खवातीन पर तशद्दुद काबिले मुज़म्मत है जो नहीं होना चाहिए था। सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह, मुर्तजा वहाब की पीएसपी दफ्तर आमद, मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी से मुलाकात, बलदियाती निजाम और दीगर सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफा कमाल ने कहा बलदियाती वसाइल वज़ीर आला हाउस से निकाल कर गली कूचों तक लाना चाहते हैं, टंडुवाला यार वाकया काबिले मुज़म्मत है, खवातीन के साथ बदसलूकी की गई, मामला इंतहाई संजीदगी से देखने की जरूरत है। नासिर हुसैन शाह ने कहा बलदियाती कवानीन के हवाले से बहुत सारी चीजों पर इत्तेफाक हो जाएगा। बलदियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का 24वां रोज, हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बलदियाती कानून आइन से मुतसादिम है। 14 साल में सिंध हुकूमत ने कराची को एक बस भी नहीं दी, विफाकी और सूबाई हुकूमतें कराची के साथ जालिमाना सलूक कर रही हैं। रावलपिंडी की मुकामी अदालत ने एमकेएम के साबिक सेनेटर मियां अतीक को 14 रोज जुडिशियल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। अदालत का मियां अतीक को 6 फरवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म, आइंदा समाअत पर तफ्तीश अफसर से मुकदमे का चालान तलब। मियां अतीक को प्रॉपर्टी के जाली कागजात केस में गुज़श्ता रोज लाहौर से गिरफ्तार किया गया था।
औबाड़ू में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, पुलिस के रोकने पर मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले के दौरान दो दहशतगर्दों ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें, सियाहती मकामात गिलियात, नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में बर्फबारी, मरी रोड और 100 से ज्यादा देहात को जाने वाले रास्ते बंद। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसम शदीद सर्द। आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी। 5 इजला के बालाई इलाकों की शाहराहें बंद। वादी अलीपा, ग्रेज और भेटी में निजाम जिंदगी मुतासर। शुमाली बलोचिस्तान में शदीद बर्फबारी, पारा -9 डिग्री तक गिर गया। और कौमी विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार। स्टार बल्लेबाज ने साल 2021 में 29 मैचों में 1326 रन स्कोर किए। मोहम्मद रिजवान कहते हैं, एजाज पाकिस्तान के नाम करता हूं, आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करने पर खुश हूं। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की मुबारकबाद।